नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट का उपयोग प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट में विटामिन B6 भी मौजूद होता है। विटामिन B6 को पाइरिडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 प्रेग्नेंट महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव भी करता है। डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट के अंदर फोलिक एसिड भी मौजूद होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फोलिक एसिड को भी लेना बहुत जरूरी होता है। इससे होने वाले बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और फोलिक एसिड कई जन्मजात रोगों से बचाव करता है। इसके अलावा फोलिक एसिड भी शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट के अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन डॉक्सिलामाइन 10 mg, फोलिक एसिड 2.5 mg और पाइरिडोक्सिन 10 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। उल्टी आने या जी मिचलाने की समस्या ज्यादा होने पर डॉक्टर डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दे सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को सुबह भी लेने की सलाह दी है तो डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को सुबह खाली पेट लेना ज्यादा अच्छा होता है। कुछ महिलाओं को डॉक्टर डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट की 2 टैबलेट को भी शाम के समय एक साथ लेने की सलाह दे सकता है। डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, मुंह में सूखापन, नींद ज्यादा आना, पेट में दर्द, त्वचा पर रैशेस और कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर आपको डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आँखों में ग्लूकोमा होने पर, पेट की आंतों में रुकावट होने पर और पेट में अल्सर होने पर डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे डॉक्सिलामाइन, पाइरिडोक्सिन या फोलिक एसिड आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।